हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है टेक्स्ट बुक के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों क्या ऑडिबल है, फटाफट मेरे भाई सभी लोग जुड़ जाइए। और जो ESIC का MTS की बात करें या आने वाले जितने भी परीक्षा है उनसे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं जनरल अवेयरनेस को लेके, दोस्तों आज मैं बहुत मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। चाहे स्टैटिक की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, बैंकिंग की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप डैम की बात करें, सभी का एक मिक्स सीरीज में आपके समक्ष लेके आया दोस्तों। एक बार बता दीजिए क्या ऑडिबल है। ऑडिबल है दोस्तों, मैं बिल्कुल समय ना नष्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। बहुत प्यारा सा लाइन आप लोग के लिए दोस्तों लेके आया हूँ। हार्ड वर्क सिर्फ आपके हौसलों को नहीं बल्कि आपके इरादों को भी मजबूत करता है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं हार्ड वर्क के सामने एक कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। हर कोई नतमस्तक मस्तक होता है हार्ड वर्क के सामने। तो हमेशा दोस्तों हार्ड वर्क करते रहिए और इस बार इतना मेहनत करना है कि 2022 में एक कुर्सी अपने नाम हो जाए दोस्तों। उसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट @ इकोनॉमिक विथ वीरू चौहान से आप मुझे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली कोशिश करता हूँ दोस्तों करंट अफेयर को पोस्ट करने की, और जो भी लेक्चर होता है एक दिन बाद उसका PDF को सेंड कर देता हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों। आपसे पूछा गया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है स्टैटिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ कृष्णा। आपसे पूछा गया है अगर आप कृष्णा रिवर की बात करते हो तो दोस्तों इनमें से कौन सा है वो डैम है जो कृष्णा रिवर पे दोस्तों सिचुएटेड है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है और फटाफट से जवाब देना शुरू कर दीजिए। आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बात की जाएगी दोस्तों। आपसे पूछा गया है कृष्णा रिवर पे इनमें से कौन सा डैम है। अच्छा दोस्तों, हीरा कुंड डैम की बात करते हो, भाखड़ा नांगल डैम की बात करते हो, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, आप सभी जानते हैं बॉर्डर शेयर करता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। कोई मेरा दोस्त बता सकता है, मेरे भाइयों बताओ भाखड़ा नांगल डैम कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। सतलज रिवर का नाम सुने हो दोस्तों, मैं कमेंट देख रहा हूँ मेरे दोस्तों का आना शुरुआत। सतलज रिवर की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा सतलज रिवर की बात करते हैं तो याद रखना पंजाब एंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है भाखड़ा नांगल, कौन से रिवर पे, सतलज रिवर। और दोस्तों मैं बता दूं कृष्णा रिवर पे जो डैम मौजूद है, जो कृष्णा रिवर पे जो डैम मौजूद है अपना याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा नागार्जुन सागर जो डैम है दोस्तों वो कृष्णा रिवर पे, और ये भी दो राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों और तेलंगाना की बात करें, क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की बात करें तो इनके साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। आपने बताया नहीं हीरा कुंड डैम की, मैं दोस्तों देख पा रहा हूं आप लोग का कमेंट दोस्तों। यहां पे सलोनी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सी लेकिन सही जवाब नहीं होगा। आपने शायद आपने पंजाब और हिमाचल प्रदेश को लेके ध्यान में रख के जवाब दिया होगा। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों महानदी पे कौन सा, तो हीरा कुंड जो डैम है वो कौन से रिवर पे, महानदी रिवर पे दोस्तों सिचुएटेड है, ये बात याद रखें। तो तीन डैम तीन नदियां दोस्तों, ये बातें ध्यान रखेंगे, कौन सा डैम कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये भी बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपका भाई रखता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रख सकता हूं। इस क्वेश्चन को मैं कौन से लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे रख सकता हूं। आपसे पूछा गया है कि सेबी हैज इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मनी फ्लो ऑफ इक्विटी थ्रू, इक्विटी मतलब दोस्तों यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में, शेयर के बारे में। इक्विटी एक प्रकार का फाइनेंशियल टर्म है, जब आप इक्विटी की बात करते हैं तो आप दोस्तों किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, शेयर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और इसमें एक प्रकार का रोकथाम लगा है, रिस्ट्रिक्शन लगा है, नियमों को कड़क बना दिया है, कौन से सिस्टम को लेके दोस्तों, पी नोट्स को लेके। आपसे पूछा गया है पी नोट्स जो बात किया जा रहा है, पी नोट और पी नोट का इनमें से क्या फुल फॉर्म है, आपको क्या लगता है, परमानेंट नोटिस है, परचेज नोट्स है, पार्टिसिपेटरी नोट्स है, प्राइवेट नोट्स है, या नॉन ऑफ दीज है नोट है। आपसे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक टर्म और है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में एक कानून है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में लाया गया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 दोस्तों, 1881 नाम का एक्ट लाया गया था, ठीक है। और इसमें हम एक सेक्शन 5 की बात करें, सेक्शन 4 की बात करें दोस्तों, सेक्शन इसके
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 147 इसके टोटल धाराएं हैं, आर्टिकल है, और इसके सेक्शन 4 की बात करते हो तो ये प्रोमिजरी नोट की बात करता, पीएन की बात करता जैसे ये, लेकिन यहां पे याद रखना जब डैश लग जाएगा तो ये किसके बारे में दोस्तों बात करेगा, पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में बात करेगा। दोस्तों आप ये एक प्रकार का आप कहें कि इलीगल इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन के कंट्रियों के इन्वेस्टरों के द्वारा अपने कंट्री में। दोस्तों समझना, अगर आपको हमारे देश के शेयर मार्केट में निवेश करना है तो आपको क्या खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अदर एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, तो उससे सेबी क्या करता है, ट्रेस करता है। लेकिन जब आप पार्टिसिपेटरी नोट की बात करते हैं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट डीमैट अकाउंट के माध्यम से फॉरेन के इन्वेस्टर हमारे देश में क्या करते हैं दोस्तों, निवेश करते हैं, और उनको हल्का सा भी ट्रिक मिल गया कि हमारे देश से ज्यादा इन्वेस्ट पैसों की अपॉर्चुनिटी चाइना दे रहा है, तो तुरंत हमारे देश के मार्केट से पैसा निकाल के वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा एक प्रकार का क्या है, इस पे सेबी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। और पी डैश एन नोट का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है करंट अफेयर को लेके, आप बहुत शिद्दत के साथ जवाब दे। रिपीट सर प्लीज। देखो इसमें बता, इसमें होता क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट की दोस्तों आप बात करते हो तो बिना डीमैट अकाउंट के फॉरेन के इन्वेस्टर हमारे देश के कंपनियों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन इलीगल एक्टिविटी के माध्यम से। दोस्तों इनको टिप्स मिल गया कि चाइना के शेयर मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट के इन्वेस्टर, जल्दी से हमारे शेयर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, और ये कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा हो, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि मंदी जैसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है, इसीलिए सेबी इन पे क्या लगा के रखता है, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में पांचवा यानी कि फिफ्थ बांग्लादेश इंडिया कल्चरल मीटिंग हुआ, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्लेस पे हाल ही में भारत और बांग्लादेश का पांचवा कल्चरल समिट हुआ। दोस्तों कल्चरल से रिलेटेड समिट हुआ, आपके सामने रखा जा चुका है दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे कश्ती जी बता रहे बिल्कुल बहुत सही, अर्जुन बर्मन वर्मा जी का भी जवाब बहुत खूबसूरती के साथ आया है, और मैं बता दूं दोस्तों और इस अवसर पे इंडिया और बांग्लादेश के 50 साल भी पूरे किए हैं। बांग्लादेश का ही कौन सा जगह है दोस्तों, राजशाही। कोई दोस्तों बता सकता है बांग्लादेश का, अगर कैपिटल की बात करते हो, करेंसी की बात करते हो, तो बांग्लादेश का अगर करेंसी की बात करें तो टका है, और वहां के कैपिटल की बात करें तो ढाका है, ये बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके समक्ष लेके आया हूँ। आपसे पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट, बहुत आसान था दोस्तों, सबसे ज्यादा इजी की बात करूं, सबसे ज्यादा आसान लेवल क्वेश्चन की बात करूं तो इस एक क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं। आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सा राज्य है, इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बजट 2022-23, और कैमल को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 करोड़ का, कितने करोड़ का दोस्तों, 10 करोड़ का फंडिंग भी दिया है 2022-23 के लिए, इनमें से कौन सा राज्य। बहुत आसान दोस्तों, बहुत सा आसान है, जहां पे दोस्तों आप बात करें कियालाडो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप रतांबर नेशनल पार्क, मुकुंद हिल नेशनल पार्क की बात करते हो, आप सभी बताए बिल्कुल। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर किसी ने जवाब दिया है, सबसे पहले किसी ने जवाब दिया है तो कश्ती जी है, बहुत खूबसूरती के साथ। और दोस्तों मैं बता दूं, जब राजस्थान की बात करते हो, 2014 में दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने 2014 में कैमल को दोस्तों स्टेट एनिमल का भी स्टेटस दिया है, कौन से स्टेट एनिमल का भी क्या दिया है, स्टेटस दिया है, ये बातें ध्यान रखेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, आपको बताना सही जवाब। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रियंका गांधी मोदी ने इनमें से कौन से बुक को लिखा है, प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा इनमें से कौन सा बुक लिखा गया है दोस्तों, आपको बताना है। क्या 400 डे है, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल है दोस्तों, और नेशन टू प्रोटेक्ट है, यह आपको बताना, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इनमें से कौन सा बुक है जो प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों बिल्कुल धमाकेदार तरीके से फटाफट जवाब दे दीजिए, आपको कौन सा जवाब सही लगता है दोस्तों, आपको कौन सा जवाब सही लगता है आपको बताना है।
सभी मेरे शेर शेरनियों का धाकड़ के साथ जवाब आना चाहिए दोस्तों, धाकड़ के साथ जवाब आना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं आप लोग का कमेंट। यहाँ पे कश्ती जी बता रहे हैं फोर्थ होगा, क्या फोर्थ जवाब देना सही होगा आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मैं बता दूं कौन सा, द नेशन टू प्रोटेक्ट, कौन सा बुक दोस्तों, द नेशन टू प्रोटेक्ट नामक बुक लिखा गया है। बाकी दोस्तों बहुत सारे बुक आए हैं, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ये सभी के सभी बुक हम कभी ना कभी पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, रिसेंट में एक बार डाल दिया हूँ इसीलिए ताकि आप पीडीएफ के माध्यम से रिविजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन रीइलेक्ट, इनमें से वो कौन से व्यक्ति है दोस्तों जो दोबारा से रीइलेक्ट हुए हैं द चेयर ऑफ, चेयर अध्यक्ष के रूप में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की बात करते हो तो इनमें से कौन से व्यक्ति चेयर पर्सन के रूप में अपॉइंटमेंट हुए हैं। क्या आपसे जैनी हैरिकोसी है, एमा टेहरू है, कैरोलोनी रत्नामाकी है, अमीना राजू हुतास है दोस्तों, इनमें से सही जवाब दोस्तों क्या होगा। बहुत बेहतर तरीके से जल्द जवाब देने की कोशिश करें दोस्तों, इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है। मैं आपका जवाब देख रहा पा रहा हूं, सबसे पहले कश्ती जी जवाब दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन गलत चला गया है, आपको बताना, जैनी बता रहे हैं, जैनी 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 नहीं, जैनी नहीं, आप और अलग 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 ऑप्शन पे जा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 23 जून 1894 से, 23 जून, क्या दोस्तों 23 जून 1894 से इंटरनेशनल, क्या दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी काम कर रहा है। और लुआसने कहां पे दोस्तों, लुआसने कहां का जगह है, स्विट्जरलैंड के लुआसने में इसका क्या है दोस्तों हेड ऑफिस है। और मैं बता दूं एमा टेरोहे, क्या दोस्तों एमा टेरोहे को रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट किया है चेयरमैनशिप के तौर पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का दोस्तों। बिल्कुल बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, हमको मालूम चल गया कि अपना जवाब कौन सा होगा, सेकंड जवाब होगा। एक बार मेरे साथ अपने भाई के साथ रिवाइज कर लो, क्या नाम है, एम्मा टेरहू, किसके चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट हुए कमिटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के दोस्तों, कब से काम कर रहा है, 23 जून 1894 से दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुआसने में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अच्छा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, कल हम लोगों ने जियोलॉजिकल पार्क देखा था दोस्तों, कौन सा पार्क देखा था, जियोलॉजिकल पार्क देखा था, कोई बता सकता है कौन से राज्य में खोला गया था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे सेम वैसा ही दोस्तों फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क, कौन सा दोस्तों, फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क 1 करोड़ रुपए से खोला जा रहा है। आपसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के कौन से वैली में खोला गया है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कौन से वैली में आपसे पूछा गया, मेरे शेर शेर नहीं हो, आपको बहुत बारीकी से जवाब देना है। मैं बता दूं राजेंद्र आर लेकर, क्या दोस्तों राजेंद्र आर लेकर क्या है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र आर लेकर क्या है। और जयराम ठाकुर की बात करते हो, कौन है, जयराम ठाकुर की बात करते हो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले अंकित जी का जवाब आया है दोस्तों, अंकित जी का जवाब आया है और बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने जवाब दिया है, कौन सा दोस्तों, भूला घाटी, कहाँ पे भूला वैली कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के भूला वैली, जबलपुर दोस्तों, कल हम लोग का याद होगा जबलपुर एमपी का, जबलपुर दोस्तों एमपी, और वहीं पे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क खोला गया था। शायद आप मेरे शेर से नहीं भूल गए हैं लेकिन आपका भाई भूलने नहीं देगा दोस्तों, याद रखें। चाहे आपसे जियोलॉजिकल पार्क पूछे जबलपुर मध्य प्रदेश याद रखें, या आपसे पूछे फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क 1 करोड़ की रकम से कहां पे खोला गया है, हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट कंट्री स्टेट का नाम पूछे तो हिमाचल प्रदेश बताएं, या फिर आपसे पूछा जाए कि कौन से वैली में, तो भूला वैली में दोस्तों, याद रखिएगा। आप ग्रेट हिमालयन पार्क की दोस्तों आप बात करें, हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पे है, इंद्र किला, क्या दोस्तों इंद्र किला नेशनल पार्क कहां पे है, हिमाचल प्रदेश पे। खीर गंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहां पे है, हिमाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे। और सांबलबरा नेशनल पार्क कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे। आर लेकर कौन है, यहां के गवर्नर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रखता हूं और ये एक्सरसाइज को लेके है, आपसे पूछा गया है विथ विच कंट्री और इज इंडिया, इनमें से इंडिया, इनमें से कौन से कंट्री के साथ मिलके दोस्तों कर्नाटका में, कहां पे दोस्तों कर्नाटका में, एक्स धर्मा गार्जियन 2022 जो कि एक प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया था,
क्या फ्रांस से, साउथ कोरिया से, जापान से या यूएसए के साथ? दोस्तों यूएसए के साथ तो युद्धाभ्यास दोस्तों आप भूल नहीं सकते हैं। आपको बताना यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा। कस्ती जी का जवाब सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आया है, बहुत बढ़िया। पारुल जी का जवाब आ चुका है बहुत खूबसूरती के साथ दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप दोस्तों जब जुड़े हैं तो जवाब देने की कोशिश करें, जवाब देने का आज कोशिश जरूर करें। और मैं बता दूं ये एक्सरसाइज जो हो रहा है 2018 में पहली बार हुआ था, मैं बता दूं, और बिल्कुल जापान के साथ ये कौन सा एक्सरसाइज, एक्स धर्म गार्जियन इंडिया और जापान ऑर्गेनाइज करते हैं। जापान का अगर कैपिटल की बात करते हो दोस्तों, हालांकि बहुत आसान है, आप बताएं टोक्यो है दोस्तों। और करेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो करेंसी वहां का क्या है, एन है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। जहां पे फर्स्ट वाटर टैक्सी लॉन्च हुआ है वही उसी राज्य में, इनमें से कौन सा राज्य दोस्तों जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आया है कि इसके तहत 21 प्रोडक्ट को, कितने प्रोडक्ट को दोस्तों, 21 एग्रीकल्चर कॉमोडिटी को चुना गया है और इसमें किसानों को सब्सिडी भी दिया जाएगा ताकि इन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट मिले, बढ़ावा दे। क्या ऐसा गुजरात लेके आया, हरियाणा लेके आया, महाराष्ट्र लेके आया है, या टडोबा नेशनल पार्क कहाँ का है ये बताओ, टडोबा नेशनल पार्क कहाँ का है? सबसे पहले मेरे दोस्तों में सबसे पहले कविता जी ने जवाब दिया है, उसके बाद ट्रैवलिंग नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पारुल जी का जवाब बिल्कुल सही जवाब पे जा रहे हैं, सही दिशा में, और कश्ती जी का भी जवाब सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। आप बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हो, बहुत ही खूबसूरती के साथ दोस्तों आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल अंकित चूग ने भी बहुत बहादुरी के साथ कह सकते हैं कि बहुत बहुत जोरदार तरीके से इन्होंने जवाब दे दिया है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे महाराष्ट्र सही जवाब होगा, महाराष्ट्र सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रखता हूँ। आपसे पूछा है शिशु इज अ स्कीम ऑफ, जब शिशु स्कीम की बात करते हो तो इनमें से किसका पार्ट है दोस्तों? क्या वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है दोस्तों, जो 1964 से काम कर रहा है, हालांकि अब LIC ने इसको टेक ओवर कर लिया है, लगभग 59.24% की शेयर होल्डिंग है, 49.24% की शेयर होल्डिंग है। रीजनल रूरल बैंक जो कि प्रेजेंट में इनकी मौजूदा संख्या दोस्तों 43 है, क्या ये है, क्या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है या माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी दो, जो 8 अप्रैल 2015 से ये स्कीम भारत सरकार MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए चला रहा है, किसका पार्ट है? मैं सभी मेरे शेर शेरनियों का जवाब आ रहा है बहुत ही फुर्ती के साथ, ए जवाब, यानी कि इस क्वेश्चन पे आप लोग के बारीकी से निगाहें थी दोस्तों और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक्चुअल में जब आप बात करना चाहते हैं मुद्रा की तो फुल फॉर्म भी याद रखें, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, इसको कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है, एक प्रकार का दोस्तों ये क्या है, NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, साथ ही साथ किसकी मदद के लिए आया है, MSME कंपनियों की। ये तीन तरह के लोन देते हैं दोस्तों, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए का, किशोर के तहत कितने का, 50,000 से लेके दोस्तों 5 लाख का, और तरुण के तहत दोस्तों 5 लाख से लेके दोस्तों 10 लाख तक का लोन देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, डेली दोस्तों मॉर्निंग में मैं 8 बजे मिलता हूं और आप लोगों के लिए दोस्तों सरप्राइज का जो समय है मुझे लगता है वो आ गया है। और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बैंक का एग्जाम कोई तोप तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस बनाने की कोई कला तो है नहीं। आप कम से कम समय में, और भारत के एग्जामों का लिस्ट निकाल के देख लीजिए, जो सबसे कम समय में कोई एग्जाम क्लियर करने वाला, पोस्टिंग देने वाला, एग्जाम लेने वाला और अपॉइंटमेंट लेटर क्रिएट करने वाला कोई जॉब है तो बैंकिंग का ही जॉब है या फाइनेंस का कोई जॉब है। विद इन 8 to 9 months के तहत सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, और दोस्तों आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, जब आप अपने को समझ पाते हैं क्वेश्चन करने में दोस्तों। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना स्पीड टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, कितना स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, और स्पीड टेस्ट देने का
टाइम मैनेजमेंट, टाइम को आप समझने का तो क्षमता होता ही होता है। साथ ही साथ मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, आप सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही टेस्ट सीरीज से क्या कर सकते हैं, अनुभव के साथ अपना रिकॉल कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के टेस्ट बुक आपके लिए 28 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दोस्तों 37,000 मॉक टेस्ट लेके आया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा 399 के में। और दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं, एक आईपैड अगर लकी विनर निकले, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, कैसे ले सकते हैं मैं बताना चाहूंगा। इसमें 10% का डिस्काउंट भी है, अगर आप कोड यूज करें BIRPASS नाम का कोड यूज करते हैं तो 399 की बजाय मात्र 360 रुपए में दोस्तों आपको पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, टेस्ट बुक के साइट पे चले जाना है, टेस्ट सीरीज में आप क्लिक करें दोस्तों। टेस्ट सीरीज में क्लिक करते हैं आपको बिल्कुल फ्रंट पे ही पास पे जाना है। पास पे क्लिक करके दोस्तों 18 महीनों का ऑफर चल रहा है, आप करें यहाँ पे अप्लाई कूपन पे चले जाए दोस्तों। अप्लाई कूपन के बाद आप मेरा कोड यूज करें, कौन सा BIRPASS का, और अप्लाई कूपन कर देंगे दोस्तों। जो पहले 399 की बात करें 360 रुपए में पड़ रहा है, और इसमें एक बेहतर ऑफर है कि आप आईपैड भी क्या कर सकते हैं, अगर आप लकी निकले तो आप विनर बन सकते हैं दोस्तों। और स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि बैंक के एग्जाम के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत मांगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पे जो हम लोग बातें कर रहे थे। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर एज और डिमांड डिपॉजिट के तहत, मैक्सिमम कितने का है वो डिपॉजिट लेते हैं दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। सही जवाब क्या है? अरे दोस्तों मेहनत करेंगे तो 2022 में कुर्सी पक्का अपने नाम होगा। याद रखिएगा दोस्तों, पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है कब आया, 2015 में आया है। और भारत में मौजूदा कितने पेमेंट बैंक है? 6 पेमेंट बैंक है। सबसे पहले पेमेंट बैंक कौन सा आया है? एयरटेल पेमेंट बैंक है दोस्तों। और मैं बता दूं इसके लिए कौन सी कमिटी बनी थी, नचिकेत मोर कमिटी बनी थी, ये बातें ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, इसको ओपन करना है आपको, पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना है तो कितने करोड़ का कैपिटल मांगता है आप बताएं, 100 करोड़ का कैपिटल मांगता है दोस्तों। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा, ये बात याद रखना, ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलते हैं, और इसमें भी आप मैक्सिमम, जो आपने क्वेश्चन में पूछा गया है, मैक्सिमम कितने लाख रुपए रख सकते हो, 2 लाख रुपए रख सकते हो। बिल्कुल मेरे सभी शेरनियों का जवाब धाकड़ के साथ आ रहा है, धाकड़ के साथ आप जवाब दे रहे हो। ये सिर्फ पूछा जाएगा, क्या ये रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं क्या, जवाब है ना। क्या ये फिक्स अकाउंट खोलते हैं क्या, जवाब है ना। ये सिर्फ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट यानी कि कासा अकाउंट खोलते हैं, जिसको आप डिमांड डिपॉजिट बोलते हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रखता हूं, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी अवार्ड हैज बीन वॉन बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के नाम से। आप कहें कि सी डॉट ने हाल ही में 12th एनुअल एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में कितने अवार्ड जीते हैं? 3 अवार्ड जीता है, 5 अवार्ड जीता है, 4 अवार्ड जीता है या 2 अवार्ड जीता है? बताइए धाकड़ के साथ दोस्तों, बताओ कितने अवार्ड जीते हैं, धाकड़ के साथ बताना है कितने अवार्ड जीते हैं दोस्तों। एक तो टैक फॉर क्या दोस्तों, टैक फॉर इनोवेशन बता सकते हैं या सोशल बता सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं कमेंट में आप लोग का आना अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जवाब दे रहे हैं। आपको बताना है 3, तो याद रखिएगा दोस्तों 3 अवार्ड जीते हैं। एक तो टैक फॉर सोशल अवार्ड जीता है, इनोवेशन फॉर COVID-19 मैनेजमेंट को लेके जीता है, और एक अवार्ड जीता है दोस्तों प्रिवेंटिव मेजर टू कॉम्बैक्ट COVID-19। तो 3 प्रकार के अवार्ड जीता है, नंबरों में याद रखेंगे कौन सा, टैक फॉर सोशल गुड, इनोवेटिव इन लॉकडाउन मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर टू कॉम्बैक्ट COVID-19। 3 प्रकार के अवार्ड जीता गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, इनमें से वो कौन से भारतीय पहले बने हैं, इनमें से कौन से दोस्तों पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल जीता है दोस्तों। और मैं बता दूं ये स्टैटिकल फिजिक्स में दिया जाता है, सांख्यिकी भौतिकी में। क्या दोस्तों ये किसमें दिया जाता है? स्टैटिकल
फिजिक्स में ये अवार्ड दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि दीपक धर को दोस्तों, दीपक धर पहले भारतीय बने हैं जो स्टैटिकल फिजिक्स में बोल्ट्जमैन मेडल से नवाजा गया है इनको। बहुत आसान है दोस्तों, और इसके छपने की जो आशंका है मुझे लगता है दोस्तों 90% चांस है दोस्तों इस ये क्वेश्चन छपने की, पहले भारतीय बोल्ट्जमैन अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन से। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। आपसे पूछा गया है इनमें से वो कौन सा IIT है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा IIT है जिसने सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट वेयरबेल एयर प्योरिफायर बना रखा है, इनमें से कौन सा IIT है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे घबराने की टेंशन नहीं है, IIT गुवाहाटी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा क्या IIT बॉम्बे है, तो ये भी नहीं है। IIT कानपुर है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। IIT दिल्ली अपना सही जवाब है। कि दोस्तों मैं बता दूं, एयर प्यूरिफाई के लिए सबसे छोटा अगर स्मॉलेस्ट डिवाइस की बात करते हो तो IIT दिल्ली ने बना रखा है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आया है कि व्हेन वाज द खेड़ा। दोस्तों गुजरात का एक जगह है, खेड़ा विलेज कह सकते हैं, खेड़ा जगह है, वहां पे एक सत्याग्रह हुआ था जिसको हम बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जिसको मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहते हो ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, तो दोस्तों उनको खेड़ा सत्याग्रह के तहत ही ये स्टेटस मिला था। खेड़ा के महिलाओं ने इनको स्टेटस दिया था दोस्तों। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलके किसानों की हेल्प की थी दोस्तों। आपको बताना है ये खेड़ा सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था, 1920। कश्ती जी बता रहे हैं, आप जवाब देते रहिए तब तक मैं इसके बारे में बात करते रहता हूं दोस्तों। आप बताना कि दोस्तों उस समय की गवर्नमेंट जो थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो गांव फार्मर से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे दोस्तों। आप सभी जानते हैं रिवेन्यू का उनका सोर्स था टैक्स। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं 1918 में फसलों का, कई प्रकार फसलें जो थी वो नष्ट हो गई, जिनकी वजह से फार्मर इतना कैपेबल नहीं था जो वहां उस समय गवर्नमेंट को टैक्स दे सके, लेकिन गवर्नमेंट जबरन उनसे टैक्स मांग रही थी। तब वहां के जो फार्मर थे उन्होंने आंदोलन छेड़ा, और वहां पे गांधी जी और सरदार पटेल भाई ने इन फार्मरों को क्या किया, सपोर्ट किया, और उसके बाद वहां के गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और दोस्तों टैक्स को माफ कर दिया गया। उसी को हम खेड़ा सत्याग्रह के तौर पे जानते हैं 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रखा गया है, पूछा गया है विच फ्लैग वॉज डिजाइन बाय गांधी जी, इनमें से कौन सा जो झंडा है, ध्वज है दोस्तों, वो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था दोस्तों। बिल्कुल रेसर आप सही बताए थे, बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया था, बहुत सही अनुमान लगाए थे। आपको पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो बात करते हो झंडे की, वो गांधी जी के द्वारा दोस्तों बनाया गया है। आप बताएं सही जवाब क्या है। मैं देख रहा हूं सबसे पहले कमेंट में कौन से मेरे भाई का जवाब आना। यहाँ पे कश्ती जी बता रहे हैं कि सर ए जवाब होगा, निधि जी भी बता रहे हैं ए जवाब होगा, स्वराज, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल दोस्तों 1921 में दोस्तों, आप याद रखिए 1921 में, 1921 की बात करते हो तो गांधी जी के द्वारा स्वराज ध्वज का निर्माण किया गया था। और जो आप स्पैनिंग व्हील वो चरखा देखते हो ना दोस्तों, ये चरखा भी उसपे लगाया गया था। कोई बता सकता है कितने कलर थे ध्वज में, कोई बता सकता है दोस्तों कितने कलर थे, मैं आपको देख पा रहा हूं, एक तो ग्रीन था एक व्हाइट था, ग्रीन और व्हाइट के साथ बताओ कौन सा कलर था। तो याद रखेंगे रेड ग्रीन और व्हाइट जो कलर थे उसे स्वराज ध्वज पे लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रखा हूं, आपको बताना है कि ये प्रेसिडेंट को लेके है दोस्तों। आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता, आप जब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हो, क्या दोस्तों क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हो, तो इनमें से किसके तहत समान मानी जाती है, क्या लोकसभा के जो योग्यता है वही प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, ऐसा है क्या, क्या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता है वही प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, ये बात सही है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की योग्यता है क्वालिफिकेशन है वही प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, या ये सभी की सभी बातें गलत है, नॉन ऑफ द एबो आंसर है दोस्तों आपको बताना है। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं जब आप प्रेसिडेंट की बात करते हो, आप सभी जानते हैं भारत के पहले नागरिक के तौर पे इनको देखा जाता है दोस्तों, और प्रेसिडेंट की जब बात करते हो तो याद रखना जो आर्टिकल की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 52 से लेके 62 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, और 52
इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो आर्टिकल आएगा 58 जो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मुख्य तौर पे तीन बातें लिखी गई हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक तो वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए अगर उसको राष्ट्रपति पद के लिए आपको नॉमिनेट करते हो या उठता है। सेकंड, उसकी जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। एंड थर्ड, वो किसी भी लाभ के पद पे, कोई भी ऐसा जो पोस्ट हो नॉट प्रॉफिट वाला पोस्ट होना चाहिए। तीन कंडीशन, कोई भी लाभ का पद वाला प्रॉफिट पद नहीं होना चाहिए। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, जब आप बात करते हो प्रेसिडेंट की 35 ईयर होनी चाहिए, लोकसभा के लिए तो 25 साल, ये तो कहीं बात ही नहीं करता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हो दोस्तों, इसमें संविधान मौन है, संविधान इसमें कोई भी बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की एज के बारे में कोई भी बात नहीं करता है दोस्तों, ये कभी हो नहीं सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए उम्र बोला जाता है 30 साल, हम तो बात कर रहे हैं 35 साल, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। यानी कि इनमें से कोई भी जवाब क्या है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अपनी परीक्षा के लिए तो मैं बताना चाहूंगा, ये आर्टिकल थोड़ा सा याद रखें, 52 से लेकर 62 तक के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाता है और 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रखता हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अगर बात करते हो तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, झूठा स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, इनमें से गलत बात कौन सा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को लेके। क्या 1, 2 बोथ 1 और 2 दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है, नाइदर 1 और नाइदर 2। आपको बताना है दोस्तों सही जवाब क्या है। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, निधि जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। और एक बार सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने भाई के लेक्चर को जरूर शेयर कर देना, जरूर शेयर कर देना। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब आप बात करते हो तो 9 मई, क्या दोस्तों, माफ करना, यहाँ पे 9 मई मैं लिखना चाह रहा था, 9 मई 2015 को भारत सरकार के द्वारा 3 स्कीम लॉन्च किए गए। एक तो अटल पेंशन योजना दोस्तों, इसकी उम्र कितनी, 18 से लेकर 40 साल। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों, इसकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना। और मैं बता दूं सुरक्षा बीमा योजना का कितना है प्रीमियम, साल में 12 रुपए का है, और एक्सीडेंट हो जाने पे आपको 2 लाख रुपए का कवर पॉलिसी मिलता है। जबकि मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करूं तो इसका एज है दोस्तों 18 साल से लेकर 50 साल। तो यहाँ पे बात करते हैं साहब, यहाँ पे 60 साल की, तो पहला तो गलत है दोस्तों, पहला जहां भी दिखेगा वहां हम उसको गलत कर देंगे। इसका एज क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे किन्होंने जवाब दिया है मैं बताना चाहूंगा, दिलजीत वर्मा जी ने जवाब दिया है कि सर यहाँ पे 330 नहीं होना चाहिए, 300 रुपए नहीं होना चाहिए, 330 रुपए होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों की दोनों बातें रॉन्ग है, गलत है, झूठा स्टेटमेंट बोला है दोस्तों। और यहाँ पे अपना क्या होगा, बोथ, दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, माफ करना, यहाँ पे राइट नहीं पूछा था, रॉन्ग पूछा था, तो बोथ क्या होंगे, सही होंगे दोस्तों, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा गया है, बुक के ऑथर है, आपसे पूछा गया है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की जो बुक है, इनमें से कौन से राइटर हैं, किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, किनके द्वारा मेरे शेर शेरनी लिखा गया है, आपको बताना है सही जवाब। बिल्कुल दोस्तों आप लैंग्वेज को समझते चलिए, मैं सभी शेरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज को सबसे पहले समझना है। उड़ान एक मजबूर बच्चे की ये बात करते हो मिथिलेश तिवारी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है, ये बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो रहा था जिसका नाम है मिलन, आपसे पूछा गया है कि वो कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मिलन एक्सरसाइज की मैं बात करूं, एक प्रकार का नेवल एक्सरसाइज है दोस्तों, एक प्रकार का नेवी एक्सरसाइज है, वो कहां पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस मिलन एक्सरसाइज में दोस्तों मैं बता दूं 46 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, कितने, और मैं बता दूं ये 11th एडिशन था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं, ध्यान से गौर से फरमाइएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 2007 में दोस्तों, 2007 की बात करते हो तो भारत सरकार प्रोजेक्ट, क्या दोस्तों,
प्रोजेक्ट 75 लेके आई थी कितने हजार करोड़ से, 43,000 करोड़ रुपए से, कि हम क्या करेंगे, 6 सबमरीन बनाएंगे, इंडिजिनियस स्वदेशी तकनीक पे आधारित हम 6 सबमरीन बनाएंगे। और वैसे ही INS विशाखापट्टनम बना था दोस्तों, जो कि मिलन एक्सरसाइज के तहत इसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। कौन सा INS विशाखापट्टनम, कहां पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला मिलन एक्सरसाइज में दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 में से एक था दोस्तों, कौन सा, INS विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत प्यारा सा है, और मैं आपको बता दूं कल हम लोगों ने रबर बोर्ड के बारे में पढ़ा था, याद है आप लोग को, कल हमने लोगों ने रबर बोर्ड के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जो कि केरला के कोट्टयम में इसका हेडक्वार्टर था। अभी आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इनमें से कौन से कंट्री को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का चेयरमैनशिप चुना गया है, इनमें से कौन से कंट्री को दोस्तों, बताना है आपको सही जवाब। सबसे पहले कश्ती जी ने जवाब दिया है ए इंडिया, बता दिया इन्होंने, धाकड़ के साथ जवाब दिया है। अच्छा, के एन राघवन का नाम सुना है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा के एन राघवन कौन दोस्तों, के एन राघवन है जो कि इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, किसके, रबर इंडिया बोर्ड के दोस्तों। और इन्हीं को, के एन राघवन को चेयरमैनशिप चुना गया है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। अगर आपसे पर्सन का नाम पूछे दोस्तों, अगर आपसे मेंबर का, पर्सन का नाम पूछे किनको बनाया गया है, तो के एन राघवन। यहाँ पे आपसे कंट्री पूछा गया है तो अपना भारत महान याद रखेंगे दोस्तों, किसको, अपना भारत महान याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ कब से काम कर रहा है, 1944 से काम कर रहा है, हमने देखा था 1944 से ये काम कर रहा दोस्तों। और ये रबर बोर्ड अपने इंडिया का कब से काम कर रहा था, 1947 से काम कर रहा था दोस्तों, जो केरला की संस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रखता हूं, और बहुत ही छोटा सा है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज या सेल्फ रूल, हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं ना दोस्तों, इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी, क्या वो जीके गोखले हैं, क्या वो दादा भाई नौरोजी हैं, क्या वो राज बिहारी घोष है, क्या वो महात्मा गांधी है, सबसे पहले किनके द्वारा बात की गई थी, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल, क्या दोस्तों, मैं बता दूं उनके द्वारा बहुत जो भी है, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दोस्तों नामक बुक लिखा गया है दोस्तों। क्या आप बता सकते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे डी बता रहे हैं, यहाँ पे दिलजीत जी ने सबसे बेहतरीन, मैं बताना चाहूंगा सबसे बेहतरीन जवाब वर्मा जी ने दिया है, बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और सबसे पहले अगर बात करते हो, गांधी जी ने तो उसको बढ़ावा दिया था दोस्तों, गांधी जी ने तो उसको बढ़ावा दिया था। मैं बता दूं सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज एंड सेल्फ रूल की बात की थी, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, आपसे पूछा गया है कि द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आपको मिलेगा, लेकिन आप एक्चुअल में मैं जब बताना शुरू करूंगा दोस्तों तो आप कहेंगे इसको हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने नहीं लिखा दोस्तों, हम लोगों ने तकरीबन 60 से ज्यादा कंट्रियों का क्या किया था, स्टडी किया था, और उनकी अच्छी अच्छी बातों को उठाया और हमने एक ग्रंथ बनाया जिसको हम कहते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे यही पूछा गया है जो पावर है, कौन सा अपशिष्ट पावर, अपशिष्ट शक्तियां, या इंग्लिश में बोले रेजिडुअल पावर, तो इनमें से कौन से कंट्री से लिया गया। तब तक मैं बात करता हूं दोस्तों, कल ही हम लोगों ने बात किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, तो 475 से ज्यादा आर्टिकल हो गए हैं। कितने पार्ट है दोस्तों, तो 25 पार्ट हैं। हमारे संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे बात करें शेड्यूल से, तो 12 शेड्यूल में बांटा गया है। और दोस्तों 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल है कौन सा, सातवां शेड्यूल है, जो कि बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की,
जो भी शक्तियां होंगी उन शक्तियों का बंटवारा, कौन सी शक्तियों बनाने का, कौन से कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कौन सा कानून बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होगा, कौन सा कानून बनाने का स्टेट गवर्नमेंट का हक होगा, कौन सा एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, क्या दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों आप कहते हो ना लिकर पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है दोस्तों। या आप कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करना ही नहीं चाहता है निगेटिव वाली चीजों पे टैक्स लेना। और एक पावर हो सकता है दोस्तों रेजिड्यूअल पावर, अब आपको सुनना है सही जवाब। रेजिड्यूअल पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि आने वाले भविष्य में हमको कोई ऐसी बात मालूम नहीं थी प्रेजेंट में जो आगे चल के एक बड़ा मुद्दा बन सकती थी, जैसे डेटा का, जैसे डेटा प्राइवेसी ऑफ डेटा, किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चल के ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। तो हम उसको कहते हैं ऐसी ऐसी पावर, ऐसी शक्तियां जो हमको मालूम नहीं थी भविष्य में ऐसा उत्पन्न हो सकता है, और उसपे कानून सिर्फ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा दोस्तों। कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को हम कहते हैं रेजिड्यूरी पावर। और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है क्या बता सकते हैं, कैनाडा से लिया गया है क्या दोस्तों, या यूएसए से लिया गया है? आपको सही जवाब देना है किसके द्वारा, कौन मेरा भाई दिया है, यूएसए के द्वारा। कश्ती जी बता रहे हैं यूएसए के द्वारा, 1, 2, 3 और 4 बता रहे हैं दोस्तों। आपको बताना है ये किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा दोस्तों लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, इनमें से वो कौन, एक सेकेंड, हु हैज बीन, हाँ ओके ठीक है, हु हैज बीन इंट्रोड्यूस फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक संस्था, एक बॉडी है जिसका बात करते हो EACPM, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों जो फुल टाइम मेंबर के तौर पे बने इस बॉडी के। चेयरमैन की बात करते हो तो चेयरमैन कौन है, विवेक देबरॉय है। विवेक देबरॉय क्या है दोस्तों, चेयरमैन है किसके, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के। आपसे पूछा गया है इस में फुल टाइम मेंबर के तौर पे कौन अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो आप बताना संजीव सैनवाल अपॉइंटमेंट हुए हैं, संजीव सैनवाल अपॉइंटमेंट हुए दोस्तों। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बहुत आसान है दोस्तों, आपसे पूछा गया है एक फिर से, एक बहुत सा फाइनेंशियल न्यूज आप कह सकते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप फॉर द स्कीम नेम पीएम स्वनिधि के तहत इनमें से किन को टारगेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, आप बता सकते हैं इसका फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर, क्या दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, क्या दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। ये कब आया दोस्तों, 1 जून, कब दोस्तों, 1 जून 2020 को आया। आप सभी जानते हैं COVID-19 ने जितने भी छोटे एंड मझोले स्मॉल बिजनेसमैन है उनकी कमर तोड़ दी, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा दोस्तों, स्मॉल वेंडर के पास, तब इस पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत, किसके तहत दोस्तों, पीएम स्वनिधि के तहत उनको 1 साल में ₹10,000 का, कितना दोस्तों, 1 साल में पर ईयर कितना देने की बात कही गई, ₹10,000 की दोस्तों बात देने की कही गई थी। ठीक है, और इसके तहत एक प्रावधान और भी था, डिजिटल अगर ये ट्रांजेक्शन करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो ₹100 का कैशबैक देने का भी प्रावधान किया गया था। और मैं बता दूं नाम से ही मालूम होता है कि ये स्ट्रीट वेंडर से जुड़ा हुआ था दोस्तों, और मेरे सभी शेरों का जवाब धाकड़ तरीके से आना शुरू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। जैसे आपने अभी बात किया 7th शेड्यूल है दोस्तों, 7th शेड्यूल सेपरेशन ऑफ पावर, कि किस पे कौन सा कानून बनाएगा राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही हमारे देश में भाषा की बात करते हो आप, कौन सी भाषा की बात करते हो, किस शेड्यूल में लिखा गया है, तो शेड्यूल 8 के तहत दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 343 से लेके 351 के तहत, और इसमें भी हिंदी को बढ़ावा देने की बात, किसको, 351 की बात की गई है। तो कितने भाषाओं को संविधानिक दर्जा मिला है, तो आप बताना 22 लैंग्वेज को, और इन्हीं 22 में से तो 17 लैंग्वेज कहां पे है दोस्तों, जब आप इंडियन करेंसी की बात करते हो तो 22 लैंग्वेज में से 17 लैंग्वेज हमारे नोट पे होते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आप सही जवाब दे रहे हो 3। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है जिसका नाम है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन,
केमिकल वेपन की बात हो रही है। आपको मैं बता दूं केमिकल हथियारों के लेन देन पे दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कैसे रोक लगाया जाए, उसके लिए एक बॉडी काम करती है दोस्तों, एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है OPCW, इसी का हेडक्वार्टर पूछा गया। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे? जहां पे इसका हेडक्वार्टर है वहीं पे OPCW का भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हो दोस्तों, मैं बता दूं हमारे यहाँ पे एक वकील है जिनका नाम है दलवीर सिंह, और नीदरलैंड के कौन से शहर में? हेग में है दोस्तों, याद रखिएगा, नीदरलैंड के हेग में। नहीं नहीं, नीदरलैंड में एक जगह है जिसको बोलते हैं हेग नाम का दोस्तों, और वहीं पे OPCW का हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर की बात करें तो दोनों का, दोनों के हेडक्वार्टर नीदरलैंड के कहां पे? हेग में है, आपको मैं बता दूं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कुछ कल नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी ऑफलाइन देखने वाले हैं, कल का PDF मैं आज डाल दूंगा, और एक बार आप अपने भाई को ये के लेक्चर को जरूर शेयर कर देना अपने अपने ग्रुप में, लाइक भी जरूर कर दें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम डेली ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आप इतना मजबूत बन जाएं कि 2022 में एक कुर्सी आपके नाम हो जाए दोस्तों। तो चलो सभी लोग ख्याल रखना।